तो दोस्तों हम आ चुके हैं माँ सरकुंडा देवी मंदिर में और दर्शन अभी करने वाले हैं। मैं दर्शन करने से पहले आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है और ये माँ सरकुंडा जी का मंदिर है। और इधर पीछे हमने जूते उतार दिए हैं अपने, यहाँ पर ये जूते उतारने का स्थान है, जूते उतार दिए हैं और अब हम दर्शन करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में ही, ये रोपवे का काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में लगभग फरवरी के एंड तक रोपवे भी यहाँ से चालू हो जाएगा। और जो लगभग 1.5 किलोमीटर का जो सफ़र हमने 1.5-2 घंटे में तय किया है, वो 5 से 10 मिनट में आसानी से आप कर सकते हैं। और व्यू आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, नीले पहाड़ और हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और पहाड़ के खेत आप आनंद ले सकते हैं। ये देखिए बड़ा ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और आइए चलते हैं, करते हैं दर्शन और आपको दिखाते हैं माँ सरकुंडा देवी जी का मंदिर। और ये हमने द्वार खटखटा दिया जय माता जी का और आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये माँ सरकुंडा देवी जी का मंदिर, पहने जा रहा हूँ। अरे हम भी हैं। और ये कुछ इस तरह से नज़ारा है माँ सरकुंडा देवी मंदिर जी का, ये आप देख सकते हैं बड़ा ही भव्य और सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन के बाद कोई ट्रैकिंग की है हमने, लगभग 2-2.5 साल बाद, तो इस वजह से बोलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और ये माँ सरकुंडा देवी जी का मंदिर मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए बड़ा ही भव्य और सुंदर मंदिर। और यहाँ की जो कहानी है वो इस तरह से है कि भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। भगवान शिव स्थान से सती का जो मृत शरीर कैलाश वापस ले गए थे, जिसका सिर स्थान पर गिरा जहाँ माँ सरकुंडा देवी जी का मंदिर स्थित है। और ये आपको चंबा से टिहरी, टिहरी से फिर आगे जो धनोल्टी जाते हुए मार्ग है उसमें धनोल्टी से लगभग 6 किलोमीटर पहले का ये स्थान पड़ता है माँ सरकुंडा देवी जी का मंदिर। तो इस तरह से ये मंदिर यहाँ पर बना था और आप भव्यता देख सकते हैं मंदिर की कितनी ही अलौकिक है। और नीचे अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम पैर जो है वो पूरे कपकपा रहे हैं ठंड से। इधर एक भगवान शिव जी का भी मंदिर बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये इधर शिवालय बना हुआ है, ये देखिए ये शिवालय है। और एक इधर और ये भी भगवान शिव का ही मंदिर शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान जी के डमरू बने हुए हैं। और इधर बजरंग बली जी महाराज, उनका मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से ये भगवान शिव जी का मंदिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। और ये यहाँ से पूरा व्यू है मंदिर का, पूरा काफ़ी पुराना ये प्राचीन मंदिर है और मान्यता भी काफ़ी है यहाँ पर, दूर दूर से जो है श्रद्धालु भक्तजन आते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से कुछ ये यहाँ पर मंदिर माँ सरकुंडा देवी जी का। और अब आपको आगे का व्यू और बताएंगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, तो बने रहिए हमारी इस यात्रा में आप।
अब हम दर्शन करेंगे माता रानी के मंदिर में, और ये लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दर्शन करने हैं अब, और मास्क लगाए हुए हैं सभी ने, क्योंकि अभी आजकल दोबारा से शुरू हो गया है कोरोना का, तो आप लोग भी थोड़ी सावधानी रखिए और मास्क जरूर लगाएं। तो ये लाइन लगी हुई है और इस तरह से बस बस दर्शन हमने कर लिए हैं और अब नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं, और ये रोपे यहीं पर ही गेट पर ही है भवन पर। तो एक बार फिर सुंदर नज़ारा आप देख लीजिए, फिर हम नीचे उतरने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर नीचे आपसे नीचे कड़े में। और रास्ते में आते हुए रुके हैं हम एक जगह, और ये अंकल जी देखिए ये ना आलू की पकौड़ी बना रहे हैं, और ये एक खासियत है यहाँ की कि ये जो शॉप है वो 1974 से है, 1974 से इनकी दुकान है, और इसी तरह से ही लगातार भक्तों की जो है सेवा कर रहे हैं। और 10 की भी था, सही बात, और जगह 15 की। हाँ, और चाय जो बता रहे हैं अंकल की, यहाँ पे जब हमने शुरुआत की थी शॉप की तो 50 पैसे की चाय बेचा करते थे, और आलू की पकौड़ी बहुत ही फेमस है इनकी। माँ सुरकंडा देवी जी के रास्ते में ही आते हुए है ये, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चाय पियेंगे और इनकी पकौड़ी खाएंगे और टेस्ट करेंगे, और फिर मिलते हैं आगे।